हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक्सेल 2021 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो एक्सेल 1 की है। यहां पर देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन मैंने बनाया है, और ये ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं ये तो हम लोग पिछले कई वीडियोस में सीख चुके हैं। यहां पर टोटल करते हैं, तो टोटल करना तो बड़ा ही आसान है। इज इक्वल टू का निशान लगाइए और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए प्राइस को, मल्टीप्लाई बाई यूनिट। आप यहाँ पर सेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर C2 कर दीजिए, C3 नहीं C2 करना है। और यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल प्राइस आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे रख के डबल क्लिक करेंगे तो सब आ जाएगा। अब देखिए ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब ये बहुत प्रॉब्लम करता है। अब यहाँ पर आप जहाँ पर भी आपका ऐसा आ रहा हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे करिएगा। सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के साथ साथ क्या बोलना है आपको, अल्ट एक बार दबाना है, फिर एच दूसरी बार, तीसरी बार में ओ, चौथी बार में आई। तो ये अपने आप जो है एरर जैसी दिखने वाली चीज दूर हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर सवाल है टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने का। तो यहां पे टोटल तो आ चुका है, पर तो हम क्या करते हैं इसको करेंसी फॉर्मेट में लेके आते हैं, ठीक है। करेंसी फॉर्मेट में लाने के लिए शॉर्टकट की भी होता है, और आप यहां से भी जा सकते हैं। तो चलिए हम यहीं से चलते हैं इस बार। और ये दिया हुआ है मोर नंबर फॉर्मेट्स, तो यहां पर जाएंगे और इसमें हमें करेंसी फॉर्मेट लेना है और हमें रुपीज वाला ही चाहिए, तो बस यहाँ से ओके कर दीजिए लेकर कोई भी। तो देखिए रुपीज के फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया ना। अब हमें क्या करना है, यहां पर टैक्स कैलकुलेट करना। चलिए करते हैं, इज इक्वल टू, इसी में तो टैक्स छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई टैक्स। कहाँ लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। अब देखिए इसका सेलेक्ट क्या है, G1 2 3 4 G4 है, तो यहाँ G4 सेलेक्ट करेंगे, G4 आ जाएगा। आप टाइप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटर प्रेस किया, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहां पे देखिए आ गया ना टैक्स। अब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, तो ये लीजिए हमने कर दिया ड्रैग। अब जैसे ही ड्रैग किया तो यहां पर तो हो गया गड़बड़, यहां पे देखिए ये 0-0 आ गया। तो अब ये 0-0 का क्या चक्कर है, तो 0-0 का चक्कर ये है कि यहां पर जब आते हैं तो आपको सेलेक्टर्स क्या दिखाई पड़ता है, D2 × G4। अब G4 ये है, यहां पे 5% जो लिखा हुआ है ये आपका G4 है। अभी अगर आप एंटर करके नीचे आते और यहां F2 करते तो ये बन जाता है G5। अब G5 तो ये है, और यहां तो कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ भी नहीं का मतलब होता है जीरो। तो किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो ही आएगा। यहां पर आपको सेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। मैं बार बार कहता हूं एक्सेल सीखते हैं सबसे पहले सेल एड्रेस सीखिए। तो यहां पर आपको 4 को फिक्स करना होगा, क्योंकि 4 बन जा रहा है 5, G4 G5 बन जा रहा है। इसको फिक्स कर दीजिए डॉलर लगा करके, डॉलर मिल जाएगा आपको अल्फा न्यूमेरिक की 4 पर, और एंटर कर दीजिए, बस काम हो गया। अब यहां से डबल क्लिक कर दीजिए, सबका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। साथ ही कोई सवाल हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।